नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल पचमढ़ी चिंतन शिविर के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि बड़ी खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा जहां MBBS मतलब मेडिकल की पढ़ाई हम इस साल हिंदी में प्रारंभ करेंगे। जब दुनिया का हर एक देश अपनी भाषा में पढ़ाई करता है तो हम अंग्रेजी के गुलाम क्यों बने? हमारे मध्यम वर्गीय गरीब परिवार के बच्चे, गाँव से आने वाले बच्चे अंग्रेजी नहीं जानते, इसलिए इनमें एक टैलेंट होने के बाद भी इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्शन जैसा रहता है। अंग्रेजी नहीं आती, अंग्रेजी की पात्रता नहीं है, हिंदी में भी पढ़ाई की जा सकती, इसलिए पूरी कोर्स की पूरी किताबें हिंदी में बन रही है। इसी साल देश में पहली बार हम अपनी मातृभाषा में मेडिकल की पढ़ाई प्रारंभ करेंगे। मैं बड़े गर्व के साथ यह कह रहा हूँ। उसके साथ साथ फिर इंजीनियरिंग और बाकी पढ़ाई भी हिंदी में सुनिश्चित करके हम इस मिथ को तोड़ देंगे कि अंग्रेजी ज़रूरी है। गरीबों को, ग्रामीणों को, मध्यम वर्गीय बेटे बेटियों को जो अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों में नहीं पढ़े, उनको इसका निश्चित तौर पर बहुत लाभ मिलेगा। पहला राज्य होगा MBBS मतलब मेडिकल की पढ़ाई हम इस साल हिंदी में प्रारंभ करेंगे। जब दुनिया का हर एक देश अपनी भाषा में पढ़ाई करता है तो हम अंग्रेजी के गुलाम क्यों बने? हमारे मध्यम वर्गीय गरीब परिवारों के बच्चे, गांव से आने वाले बच्चे ये अंग्रेजी नहीं जानते, इसलिए एक टैलेंट होने के बाद भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जैसा रहता है कि अंग्रेजी नहीं आती, अंग्रेजी की बाध्यता नहीं है और हिंदी में भी पढ़ाई की जा सकती है, इसलिए पूरी कोर्स में पूरी किताबें हमारी बन रही है और इसी साल देश में पहली बार हम अपनी मातृभाषा में मेडिकल की पढ़ाई प्रारंभ करेंगे। मैं बड़े गर्व के साथ ये कह रहा हूँ। उसके साथ साथ फिर इंजीनियरिंग की और बाकी पढ़ाई भी हिंदी में सुनिश्चित करके हम इस मिथक को तोड़ देंगे कि अंग्रेजी ज़रूरी है। गरीबों को, ग्रामीणों को, मध्यम वर्गीय बेटा बेटियों को जो अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों में नहीं पढ़े, उनको इसका निश्चित तौर पर बहुत लाभ मिलेगा। वैसे ही एक बड़ा फैसला जो मैंने हालांकि घोषित कर दिया था विधानसभा में कि पुलिस की भर्ती में अब क्या काम क्या वो लिखित परीक्षा ही हो, लिखने में अच्छा और दौड़ने में अच्छा ही नहीं है तो डाकू चोरों को कैसे पकड़ेगा? शरीर से भी तो ठीक ठाक होना चाहिए। अब गाँव वाले या गरीब घर के लोग ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं, ज़्यादा दौड़ लेते हैं, लेकिन सिस्टम कुछ ऐसा बन गया कि बड़े स्कूल में पढ़े ही लोग आ जाएं। तो हमने तय किया कि भैया 50% नंबर दौड़ भाग के रखेंगे, शरीर में दम होगा तो ही भर्ती होगी। तो उसमें भी मुझे लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों के बेटा बेटी बड़ी संख्या में, अभी जो पुलिस की भर्ती शुरू होने वाली है 6,000, उसके बाद फिर और निकलेगी, उसमें उनका सिलेक्शन हो पाएगा। खबर समय जगत के लिए शक्ति भारती की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।